मैं सुजीत जोशी आपको हम आप तक चैनल में एक तमाम खबर जो अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रही है उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे, जो क्यों आखिर क्यों रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, आखिर क्यों रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ। युद्ध जो है यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है और रशिया उसको रोकना चाहता है। मतलब ये कि रशिया उसको नाटो का सदस्य बनने के लिए विरोध कर रहा है, तो मुद्दा यही खड़ा होता है और यहीं से युद्ध की शुरुआत होती है। तो इसमें आखिर रशिया नाटो का सदस्य बनने के लिए यूक्रेन को क्यों रोका जाता है, और दूसरा मुद्दा ये उठता है कि नाटो है क्या, और तीसरा ये मुद्दा उठता है कि यूक्रेन क्यों नाटो में जुड़ना चाहता है। इसी मुद्दा से लेकर के अभी महायुद्ध चल रहा है, तो इसको बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कि नाटो है क्या, आखिर नाटो है क्या। तो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस का एक जो है ये 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप है जो रशिया को चुनौती बन गया। जो देश पहले जैसे एक सोवियत संघ जो रशिया का था और अमेरिका का नाटो हो गया। सोवियत संघ में रशिया और उसके पड़ोसी देश थे, और अभी कुछ दिनों से जो रशिया का पड़ोसी देश है वो धीरे धीरे सोवियत संघ से हट करके और वो रशिया के पड़ोसी देश नाटो में सम्मिलित हो रहे हैं। और रशिया ये नहीं चाहता है कि अब यूक्रेन भी देश का हिस्सा बन जाए, और अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो रशिया जो है चारों तरफ से घिरा जाएगा अपने दुश्मनों से, क्योंकि यूक्रेन जो है एकदम करीब है रशिया के। और अमेरिका ये चाहती है कि अगर नाटो का सदस्य यूक्रेन बन जाता है तो अगर यूक्रेन पे कोई हमला होती है तो नाटो का 300 सदस्य मिल करके वो समझेगा कि मेरे ऊपर वार हो रही है, तो सभी मिलके तो कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर तो ये 300 देश मिल करके रशिया पर हावी हो सकती है। रशिया के महान जो लेनिन थे वो कहते कि रशिया के लिए यूक्रेन जो है एक महान अंग है, जिसे खो देना मतलब क्या, शरीर का सिर खो देना। नाटो का मतलब ये अमेरिका, मतलब अमेरिका यही चाहती है कि अगर हम यूक्रेन को अपने अंदर कर ले या यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाती है तो हमको रशिया पर हमला करना कोई दूर नहीं होगा, और ये रशिया को मंजूर नहीं है। रशिया चाहती है कि नहीं, यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य नहीं बने। और दूसरा मुद्दा कि आखिर रशिया क्यों उसे मना कर रही है, तो वो समझता है कि धीरे धीरे मेरे पड़ोसी देश नाटो में जाके सम्मिलित होता है, अगर धीरे यूक्रेन भी अगर सम्मिलित हो जाए उसके जस्ट करीबी देश यूक्रेन है, रशिया के करीबी देश यूक्रेन है, अगर वो शामिल हो जाती है तो अमेरिका सहित 30 देशों का जो मिलिट्री ग्रुप है सभी, अगर रशिया कोई भी कदम उठाती है तो उस 300 देश मिल करके इन पे हमला कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं रशिया को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो है रशिया ये नहीं चाहती है कि वो यूक्रेन जो है नाटो में जाके मिले, और इसीलिए ये युद्ध हो रही है। तीसरा मुद्दा ये उठता है कि आखिर यूक्रेन जो है क्यों नाटो का सदस्य बनना चाहती है, आखिर क्यों जो है यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहती है। सोवियत संघ का भी गठन हुआ था तो उसमें सभी देश अलग हुए थे, और उसी वक्त जो है यूक्रेन को कुछ आजादी मिली थी, और वो ये जानता था कि कभी ना कभी रशिया हम पे हमला कर सकती है और हम पे जो है हक जमा सकती है, लेकिन यूक्रेन के पास वैसा ताकत नहीं है, उतना सैन्य शक्ति नहीं है जो रशिया से युद्ध कर सकती है। तो ये यही कारण है कि वो नाटो से मिलना चाहते हैं। इससे पहले वो जो है एक सैन्य शक्ति यूरोपियन से मिलना चाहती थी, तो वो और इसके बाद वो ये चाहने लगा कि अगर हम अच्छा सैन्य शक्ति कोई संगठन से जुड़ते हैं तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा। यही कारण से वो अमेरिका जो नाटो है उस सैन्य संगठन में जुड़ना चाहता। तो यही जो है
ये युद्ध का शुरुआत होता है और यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होना चाहता है और रशिया उसको मना कर रही है और यहीं से जो है शुरुआत होती है युद्ध का।